हे भगवान, अब कैसे दिन दिखा रहे हो मुझे? एक तो बाढ़ में सब कुछ बह गया, सारा सामान, सारा संपत्ति, मैं तो बेघर हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो अपने गांव में भी कोई काम नहीं मिल रहा है। कई दिन से खाना का भी नसीब नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, पास के गांव में जाकर काम की तलाश करता हूँ, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मेरा सब कुछ बाढ़ में बह गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मुझे काम पर रख लीजिए सेठ जी। ठीक है वीरू, तुम कल सुबह से ही काम पर लग जाना। वीरू बहुत ही मेहनती आदमी था। वह जोड़ तोड़ से सेठ के खेतों पर काम करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि वीरू का फसल बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसा फसल कभी नहीं हुआ था। सेठ ने सोचा कि वीरू की कड़ी मेहनत की वजह से इस साल खेती में 4 गुना लाभ हुआ है। बदले में वीरू को भी फसल का कुछ लाभ मिलना चाहिए। वीरू, तुम्हारे मेहनत से फसल इस बार 4 गुना अच्छा हुआ है। मैं तुम्हारे काम देखकर बहुत ही खुश हुआ हूँ। तुम मुझसे अनाज के रूप में लेना चाहते हो या कोई अन्य चीज के रूप? वीरू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि सेठ जी से अनाज मांगू या कोई और चीज मांगू। अरे, मैं तो मजदूरी करके कुछ पैसे बचा रखे हैं, जिससे कुछ महीनों के लिए मेरा राशन चल जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ। फिर वीरू सेठ से कहता है, मालिक, आपका मुझ पर बड़ी कृपा रही है। आप लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो खेती के लायक कुछ जमीन दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूंगा। सेठ ने वीरू की समझदारी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सेठ जी ने तुरंत 3 खेत वीरू के नाम लिख दिए। कुछ समय के बाद वीरू गांव के एक धनी किसान के पास जाता है और उस किसान से कहता है, भाई, मुझे 1 महीने के लिए बैलों की एक जोड़ी की जरूरत है खेत जोतने के लिए। तुम मुझे अपना बैल दोगे तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। मेरा काम खत्म होते ही बैलों को तुरंत वापस लौटा दूंगा। तुम क्या करोगे बैलों को लेकर? तुम्हारे पास तो एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है। भाई, पास के गांव वाले सेठ जी ने मुझे 3 खेत दिया है, उसी को जोतने के लिए बैलों की जरूरत है। धनी किसान बहुत ही गजब व्यक्ति था। वह वीरू के ऊपर टूटी हुई विपत्ति को भली भांति जानता था। फिर वह बैलों की जोड़ी को वीरू को दे दिया। वीरू ने अपने खेत की जुताई और बुवाई शुरू कर दिया। सारे खेत को जोतने के बाद एक दिन वीरू बैलों को लौटाने आया तो धनी किसान उस समय वहीं पर खड़ा था। उसने वीरू से कहा, वीरू भाई, बैलों को उस पेड़ के नीचे बांध दो। वीरू ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अपना घर चला आया। अभी वीरू अपना घर पहुंचकर आराम कर ही रहा होता है कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया। वीरू ने दरवाजा खोला, तभी धनी किसान ने ऊंची आवाज में वीरू से कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है वीरू? बैलों को तो मैं उसी पेड़ के नीचे बांध कर रखा था मालिक। लेकिन पेड़ में तो कोई बैल नहीं है। वीरू घबराते हुए कहता है, मैंने तो आपके सामने उसी पेड़ के नीचे बैलों को बांध कर रखा था मालिक। धनी किसान ने बहुत ही क्रोधित होते हुए वीरू से कहता है, तुमने बैलों को बांध कर रखा था तो क्या उन्हें पेड़ खा गया? या तुम्हारे नीयत खराब हो गई है वीरू? तुम इसी समय राजा के पास चलो, मैं तुमको तुम्हारी बेईमानी का शिकायत करूंगा और तुम्हें राजा से सजा दिलाऊंगा। वीरू ने उस धनी किसान को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वीरू समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल रहा है। एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलती और दूसरी विपत्ति टूट पड़ती है। वीरू दुखी मन से धनी किसान के साथ राजा के महल की ओर निकल पड़ता है। अभी कुछ ही दूर ही गया था कि रास्ते में तेजी से एक किसान अपने बैलगाड़ी में आ रहा होता है और वीरू को धक्का देकर चला जाता है। वीरू वहीं पर गिर जाता है, जिससे वीरू को बहुत चोट आती है और वीरू तुरंत उठकर पास में पड़ा पत्थर उठाकर किसान के ऊपर फेंकता है तो पत्थर का टुकड़ा जाकर किसान के बैल को लगता है और किसान का बैल घायल हो जाता है और वही तड़प तड़प कर मर जाता है। आग बबूला किसान ने वीरू को पकड़ लिया और कहने लगा,
तुमने मेरे प्यारे बैल को मार डाला, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दिलाऊंगा। इतना कहने के बाद वह किसान भी महल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते उनको शाम हो जाती है। उन्होंने एक नगर के बाहर डेरा डाल लिया। वहां कुछ नाट भी ठहरे हुए थे। रात में वीरू जब सोने के लिए लेटा, तब वीरू ने सोचा कि दुर्भाग्यवश जो भी मेरे साथ घटना घटित हो रही है, चाहे उसमें मेरा दोष हो या ना हो, राजा उमर कैद की सजा जरूर देंगे। अब मैं किसी प्रकार से भी अपने परिवार का देखभाल नहीं कर सकता हूँ और ना ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा, तो भला ऐसे जीवन का क्या फायदा। इससे अच्छा तो स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। इतना सोचकर वीरू उठकर नाटों की समान में से एक रस्सी निकाल ली। रस्सी को बरगद के डाली में फंसाकर एक फंदा बना लिया। फंदे को गले में पहनकर लटक गया। दुर्भाग्यवश यहाँ भी उसका भाग्य साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर था, रस्सी टूट गया और नीचे सोए नाटो के सरदार पर गिर गया। नाटो के सरदार वही दम तोड़कर मर गया। सभी नाट जाग गए। उन्होंने वीरू को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वह सभी राजा के पास ले जाएंगे और न्याय मांगेंगे। दूसरे ही दिन तीनों उपभोगी वीरू को लेकर दरबार पहुंच गए। तुम लोग इस बेचारे को रस्सी में बांधकर क्यों लाए हो? उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायत सुनाई। फिर उन तीनों ने राजा से प्रार्थना की कि इस दुष्ट वीरू को उसके करनी का उचित दंड दिया जाए। राजा बहुत ही बुद्धिमान था, सारा मामला को तुरंत ही समझ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब वीरू बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज मैं वहीं पर था। बैल तुमने देखे थे? जी महाराज, मैंने बैल को देखा था। तुम्हारा बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। वह कैसे महाराज? पहले तुम अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था और तुम्हें अपनी ही आंखों पर जरा भी भरोसा नहीं है, तो तुम ऐसे आंखों का क्या करोगे? राजा के विचार से धनी किसान बहुत ही गुस्सा हो गया। उसके बाद राजा ने तेज रफ्तार से आते हुए किसान से पूछता है, वीरू को यह चोट कैसे आई? रास्ते में आते समय थोड़े से धक्के से गिर गया महाराज, जिससे इस वीरू को चोट आई। बैल किसका था? मेरा बैल था महाराज। वह बैल भी तुम्हें वापस मिल सकती है। इतने सुनते ही किसान के चेहरे पर चमक दौड़ पड़ी। वह कैसे महाराज? वैसे कि तुम इसका घाव फिर से पहले जैसा कर दो, यह तुम्हारे बैल में प्राण डाल देगा। राजा के निर्णय से वह किसान भी संकोच में पड़ गया। तो अब बारी थी इस नाटो की। राजा ने नाटो से कहा, रस्सी किसकी थी? रस्सी हमारी थी महाराज। रस्सी इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम खेल दिखाते हैं महाराज, इसलिए घिसी हुई थी। ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नाट इस रस्सी का फंदा बनाकर बरगद के पेड़ से लटक जाए। मैं वीरू को ठीक फंदे के नीचे लेटा देता हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नाट इसके ऊपर गिर जाएगा और वीरू स्वयं अपनी मौत मारा जाएगा। कोई नाट तैयार है बरगद के पेड़ से लटकने के लिए? राजा का निर्णय सुनकर सारे नाट लज्जा से डर गए और इसी तरह से सभी को अपने किए की सजा मिल गई। फिर राजा ने वीरू को छोड़ दिया।